स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। देश भर में कोविड के बढ़ते केसों के बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कोविड 19 टेस्ट की संख्या 23 करोड़ को पार कर गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत तेजी से टीकाकरण कर रहा है और जल्द ही वैक्सीनेशन की संख्या 4 करोड़ पहुंच जाएगी। गुरुवार शाम 7 बजे के आंकड़े के मुताबिक अब तक लोगों को 3,71,43,255 डोज लगाई जा चुकी हैं। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में दैनिक केस बढ़ रहे हैं। कुल केस का 79.54% इन्हीं 5 राज्यों में आ रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में 35,871 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में नए केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन 5 राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी केस बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र में दिन भर में कुल 25,833 नए केस दर्ज किए गए और 19 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल महाराष्ट्र में 8,13,211 लोग होम क्वारंटीन है और तो वहीं पर 7,089 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है। पंजाब में 1 मार्च से 17 मार्च के बीच कोविड के केस 4 गुना बढ़कर 1 मार्च को कोविड के मरीजों की संख्या 500 थी तो वहीं पर 17 मार्च को बढ़कर 2,045 तक पहुंच गई है। राज्य में गुरुवार को एक ही दिन में 39 मौतें दर्ज की गई हैं। तो वहीं पर लोग बिना नियमों का पालन किए लापरवाही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोविड के केसों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को यहां 24 घंटे में 607 नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली में फिलहाल संक्रमण दर और नए केस 6 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा 6 जनवरी को 654 नए मामले सामने आए थे। राजधानी में अब तक कुल 6,45,632 केस दर्ज हुए हैं। यूपी में अलर्ट का आदेश नोएडा, गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं प्रभावित राज्यों में आ रहे यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। तो होली के मौके पर भीड़ इकट्ठा न हो इसके लेकर इसको रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। त्योहारों पर जिले भर में धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं पर पार्टी में बिना मास्क के एंट्री करना भी नियम के खिलाफ होगा। तो आपको बता दें, कोविड का खतरा जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे ही सरकार नियम लागू करते हुए जा रही है। जहां पर महाराष्ट्र में भी नियम लागू कर दिए गए हैं, नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जहां पर महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के वीरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं कोविड 19 के, जिस तरीके से जो संख्याएं सामने आ रही हैं कोविड की, इससे यही अंदेशा है कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की स्थिति थी वो फिर से वापस हो सकती है? देखिए ऋचा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है जिस तरीके से जो लोगों के मन में एक तरीके का जो डर था, भय था, और वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जो इसका सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है वो ये है कि सरकार की तरफ से जो है आर्थिक चीजों को लेकर के जो ढील दी गई है, जो सुस्ती दिखाई दे रही है, उसकी वजह से लोग जो है थोड़ा सा एक तरीके से उनके मन से जो भय था वो खत्म हो गया। तो इस बात को, लेकिन अभी आप किसी से भी बात करेंगे, किसी भी मंत्री से, किसी भी अधिकारी से, किसी भी जो है बुद्धिजीवी से, तो उसका वही यही साफ कहना होता है कि नहीं, हमें अभी बचाव रखना है, अभी हमें जो है कोविड के नियमों का पालन करना है। लेकिन वो अभी धरातल में पूरी तरीके से एकदम दिखाई दे रहा है कि उसकी जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी आप बाजार देख लीजिए, सार्वजनिक स्थल देख लीजिए, तो वहां पर इस तरीके का बिल्कुल जो है स्कूल कॉलेजों के बाहर अभी बच्चे तक जो है, जो लगातार अभी हम लोग देख रहे थे जो लॉकडाउन के दौरान बच्चे जो छोटे छोटे संदेश अपने जारी कर रहे थे, वो भी जो है इस तरीके से जो है इससे विमुख होते दिख रहे हैं। तो ऋचा, ये थोड़ी सी भयावह तस्वीर दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे महाकुंभ जैसी स्थिति जो है, अभी यहाँ पे महाकुंभ शुरू है, चल रहा है, उसको लेकर के जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्पष्ट गाइडलाइन की थी कि आपको आना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको अपनी जो है कोरोना की रिपोर्ट लेके आनी होगी। लेकिन जो तीरथ सिंह रावत है उनकी तरफ से इसमें काफी शिथिलता बरती गई है। हालांकि उन्होंने कोविड के नियमों का पालन करने की गुजारिश की है, लोगों से अपील की है, लेकिन वो अपील जो है तब तक प्रभावी होती नहीं दिखती जब तक का उस पर किसी तरीके का खौफ ना हो। तो वो खौफ जो सरकार की तरफ से जो ढील दी गई है वो खौफ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है ऋचा।
ऐसी बिल्कुल, स्थिति और में आप ये देखिए। खतरनाक साबित हो सकता है भूपेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि जो भी महाकुंभ मेले में आते हैं वो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का पालन करें और साथ ही साथ वहां पर जो टेस्ट रिपोर्ट होती है उसको भी लेकर आया जाए, लेकिन जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने जो एक बयान जारी कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि आप जितने चाहे उतने लोग आ सकते हैं, संख्या की भी कोई लिमिट नहीं रखी गई है, या कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी केस बढ़ सकते हैं इसके अलावा। देखिए, जिसे तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जो है लोगों को अब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, तो साधु संत समाजों को खुश प्रसन्न करने के लिए उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 12 साल में जो है एक बार कुंभ आता है, हर आदमी कुंभ में जो है स्नान हरिद्वार पहुंचना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, डुबकी लगाना चाहता है, तो आस्था को उन्होंने थोड़ा मजबूती के साथ जो है यहाँ प्रदर्शित किया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उन्होंने गाइडलाइन जारी करी कि भाई कोविड के जो है नॉर्म्स है उन्हें फॉलो करा जाए। जगह जगह पर अभी हमने हरिद्वार में जैसे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम कि अभी जो लोग आ रहे हैं शाही स्नानों में आ रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करी गई है, मास्क भी है। लेकिन अभी ऋचा मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन ही 2-4 दिन पहले ही अभी हम लोगों ने जो हरिद्वार का जो है निरीक्षण किया और कुंभ का मेले का जो खबरें दिखाई हमने, उसमें साफ दिखा कि जो है लोगों के अंदर भय उस कदर का जो है डर वो नहीं दिखाई दे रहा है, और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी सी शिथिलता बरती जा रही है। बनस्पत जो लॉकडाउन के दौरान तेजी थी, जो एक तरीके से आक्रामकता थी, वो यहाँ पे कमजोर होती दिखी दी है। तो लोगों को बिल्कुल लोगों सावधानी को बरतना बेहद जरूरी है। भूपेंद्र जी, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली ब्यूरो हेड है प्रशांत शर्मा, वरिष्ठ संवाददाता जुड़ चुके हैं मेरे साथ नीरज मिश्रा है, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं रमेश पुरोहित। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रशांत जी, पहले मैं आपको रुक करना चाहती हूँ, जिस तरीके से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम दिल्ली की बात क्यों ना कर लें, राजधानी दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं, त्योहार भी आने वाले हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं दिल्ली में? जी ऋचा जी, देखिए कि कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक ली थी, और उस बैठक के बाद केंद्र सरकार को एक रिक्वेस्ट लेटर डाला गया है जिसमें उन्होंने अपील की है कि जो एक गाइडलाइन है वैक्सीनेशन की उसको फ्री कर दे। यानी कि अभी तक गाइडलाइन थी कि बुजुर्गों को आप लगाएंगे, हेल्थ वर्कर को लगाएंगे, गंभीर ग्रसित जो बीमार हैं उनको लगाएंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि आप फ्री कर दीजिए तो हम 3 महीने में पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन कर देंगे, युद्ध स्तर पर करेंगे। अभी दिल्ली की बात करें तो 500 वैक्सीन सेंटर हैं दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इसे 1000 वैक्सीनेशन सेंटर में बदलना चाहते हैं, और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि रोजाना 1.25 लाख के लगभग लोगों को वैक्सीन लगाई जाए जिसके जरिए उनको कवर किया जा सके। उन्होंने कहा सिर्फ कुछ मेडिकल कंडीशन वाले लोग जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता उन्हें वो चाहेंगे कि इससे बाहर रखा जाए, लेकिन अब वो वैक्सीन को युद्ध स्तर पर लगाना चाहते हैं। उस कह रहे हैं कि 30,000 जो पर डे लग रही है उसको 1.25 लाख में बदल दिया जाए जिससे कि पूरे दिल्ली को वैक्सीनेशन किया जा सके और एक सुरक्षित घेरे में लिया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है, और केंद्र सरकार से वो इस मामले में लगातार बात कर रही है कि केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइनों में परिवर्तन करे या दिल्ली को स्पेशल छूट दे, क्योंकि आप देखिए लगातार जो दिल्ली में अगर हम कोरोना की बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग अब सामने आ रहे हैं। हालांकि 3 दिन से दिल्ली सरकार लगातार ट्रैकिंग हो चाहे ट्रेसिंग हो या होम आइसोलेशन हो उसका बड़ा सख्ती से पालन करा रही है, निगरानियां कर रही है, लेकिन अगर पिछले 7 दिन के आंकड़ों पर गौर डालें तो जो 0.44% संक्रमण रेट था वो बढ़कर 0.76 हो गया है। आप देखिए 400 के लगभग मामले जहां आ रहे थे 4 दिन पहले वो 600 से ज्यादा हो गए हैं। जो आप देखिए तो 6 जनवरी के बाद अब आए तो लगभग 3 महीने में जो परिवर्तन आ गया है, तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार चिंतित है और वो केंद्र सरकार से इसमें मदद ये चाह रही है कि वैक्सीनेशन ज्यादा संख्या में हो सके और अब ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पे भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी ऋचा जी, बिल्कुल, जो एक उम्मीद थी वैक्सीनेशन के आने के बाद शायद कोविड पे कंट्रोल पाया जाएगा, लेकिन वो उम्मीदें यहाँ पर साकार होती हुई नजर नहीं आ रही है। मेरे साथ नीरज मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए। नीरज जी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि यूपी में भी लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए यहाँ 221 नए मरीज मिले हैं, जो कि जब लॉकडाउन था उस समय 31 मई को इतने मरीज मिले थे, और इस समय लॉकडाउन नहीं है और 221 मरीज ये नए मिले हैं जो कि पकड़ में आए हैं। इसके अलावा आप सोचिए न जाने कितने मरीज हैं जो अभी तक ना अपनी जांच करा रहे हैं, अगर उन्हें खांसी बुखार या इस तरह की तमाम चीजें आ रही तो जांच ना करा के उनका यह कहना है कि मौसम बदल रहा है, इस तरह की चीजें हैं। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और डॉक्टरों से जो हम लोगों की बात होती है उनका कहना है कि ये कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पहले से भी तेज हो सकती है। आपको याद होगा कि जिस समय
लॉकडाउन लगा था, सड़क पर लोग दिखते नहीं थे, उस समय कितने अधिक मरीज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में मिले थे और तमाम लोगों की मौतें हुई। और आज की जो स्थिति है वहां यहां पर कोई ना मास्क पहनता है ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, तो आप स्थिति समझिए कि कितनी भयंकर होने वाली है। उस समय कोरोना हमें नहीं पता था क्या है, लेकिन अब हमें कोरोना पता है क्या है और उसके बाद ये स्थिति है, तो इसका अनुपालन पुलिस अगर डंडा लेके कराएगी, चौराहे पर मारपीट करेगी, तो वैसे भी नहीं माना। हमें खुद अब अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर स्थिति फिर से भयानक होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में संक्रमण की दर में बढ़ोतरी सभी के लिए चेतावनी है। उन्होंने प्रतिदिन होने वाले कोविड टेस्ट में आईटी और पीसीआर बढ़ाकर 50% करने के निर्देश दिए हैं। लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सारी जिम्मेदारी अगर हम कहा जाए कि आम लोगों की है, इनको खुद अगर बचना है तो हमें खुद सुरक्षित होना पड़ेगा। आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करने को तैयार नहीं है, जगह जगह पर ढिलाई बरती जा रही है। नेता अधिकारी और पुलिसकर्मी अगर सख्ती बरतेंगे और उसके बाद हम सुधरेंगे तो उस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता, और तब तक हो सकता है बहुत देर हो जाए और फिर से हम उसी जकड़ में आ जाए जिस झंझावट जिस समस्या से हमने एक साल पहले निजात पाई। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि होली का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां हो रही है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है और होली के त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की जा रही है? देखिए, अपील की गई है कि होली का त्यौहार बिल्कुल अपने घर से मनाए, लोगों से मिलने जुलने से परहेज करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोग किसी तरह मानने वाले हैं। अगर लोगों की हम मानसिकता की बात करें, अगर रियल फैक्टर पे और रियल ग्राउंड पे हम बात करें, तो कोई भी व्यक्ति मानने वाला नहीं है जब तक कि पुलिस सख्त कार्रवाई ना करे। यहाँ पर सिर्फ पुलिस अपनी सख्त कार्रवाई करती है तो लोग अपने आप सुधर जाते हैं, लेकिन जब तक ना करें, खुद से अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी अधिक भयानक और बहुत तेजी से फैलेगी और उसके जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम रहेंगे। हमें गाइडलाइन का पालन करना सिखाया गया, लॉकडाउन में हमें ये बताया गया कि हमें किस तरह से रहना है। लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, अगर हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें, अपने आप को सही तरीके से चले, जो भी चीज है उसके जिम्मेदार स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए बिना लाग लपेट से तो हम ही हैं। अगर हम सुधर जाएं तो कोरोना को आराम से रोका जा सकता है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे तो ये वेव पहले से ज्यादा खतरनाक होगी और मौतों का आंकड़ा भी बिल्कुल पहले से ज्यादा। जागरूक होना बेहद जरूरी, तभी इस पर कोविड पर कंट्रोल पाया जा सकता है। मेरे साथ लगातार जुड़े हुए रमेश पुरोहित संवाददाता। रमेश जी, तस्वीरें भी हम देखते हुए आते हैं, जिस तरीके से गहलोत सरकार ने राजस्थान में काम किया, काफी अच्छा काम किया, उनकी तारीफें भी हर जगह हमें देखने को मिली हैं और सुनने को भी मिली हैं। फिलहाल राजस्थान में क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है कोविड को लेकर? रमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ लगातार भूपेंद्र गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के ब्यूरो हेड। भूपेंद्र जी, महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने कह दिया है कि अगर जो भी व्यक्ति जो भी भक्त आना चाहता है उत्तराखंड में महाकुंभ मेले में आयोजित होना चाहता है तो उसको RT-PCR जो टेस्ट होगा उसके लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कहना कि यहाँ पर तीरथ सिंह रावत नियमों की उल्लंघन करने के साथ साथ जिस तरीके से गाइडलाइंस की पालना करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ऋचा, सबसे खास बात है वो ये कि यहाँ पे जो धर्म और संस्कृति को लेकर के जो जितना महत्व जो है कुंभ का है उसको लेकर के बाद जो है तमाम तरीके की चीजें सामने आई हैं कि आने वाले दिनों में कुंभ के जो है 1 अप्रैल से शुरुआत होकर के 30 अप्रैल तक चलेगा, उसमें भी 4 शाही स्नान पड़ेंगे। उनको लेकर के जो है मुख्यमंत्री का ये अपना मानना है, ये अपनी व्यक्तिगत उनकी जो है राय हो सकती है कि इससे कोई वंचित ना रह जाए, लेकिन ये ठीक है, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत मनता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो कोविड का प्रकोप है उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। लगातार कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि जो है रात का जो है कर्फ्यू लग गया है, लोग जो है बाहर निकलने से रोका जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से हमारे अन्य साथी बता रहे थे कि लोगों को जब तक का डर नहीं होगा, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे जुर्माने का हो,
तब तक का व्यक्ति अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं है। मैंने बताया ना कि अभी जिस तरीके से हम लोगों ने जो है हरिद्वार की कई लगातार खबरें दिखा रहे हैं, उसमें उतने लोग स्वयं में जागरूक नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि मास्क लगा दिए जा रहे हैं, उसके अलावा सैनिटाइजर मशीनें जगह जगह लगाई गई हैं, छोटी छोटी टनल भी बनाई गई हैं, लेकिन उसके अलावा व्यक्ति जो दूर दराज के तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं हरिद्वार में, वो अपने आप में जो है बस के में दौरान खाने पीने के दौरान तमाम चीजों पे जो है वो वहां पे ना मास्क दिखाई दे रहा है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैं ऋचा आपको बताऊं कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हुआ, उसके बाद तीरथ सिंह रावत का नाम आया, तो आप यकीन मानिए राजभवन से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उसकी मतलब बहुत ही रेयर हुआ होगा कि जो है लोगों ने इसका अनुपालन किया, वो चाहे जनता हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे नेता प्रशासन के लोग हो, कहीं कहीं तक का उसका अनुपालन होता हुआ नहीं दिखा। और ये वाकई में स्थिति बड़ी खतरनाक और भयावह हो जाएगी अगर इसकी तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। होली आने वाली है, लोगों के मन में एक इस तरीके की आशंका ये जो है हो रही है कि जो है अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, लोगों को जो है इंजेक्शन लगना शुरू हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है हमें जो है आज नहीं तो दो चार दिन बाद जो है जिन लोगों को हमको लग वैक्सीनेशन लग जाएगी और उसके बाद हम निश्चिंत होकर के सड़कों पर दौड़ेंगे, काम करेंगे। तो इस उल्लास में, इस खुशी में जो है लोग पहले से ही उससे जो है दूरी बनाए हुए हैं कि अब हमें कोई बात नहीं है, अब हमारे लिए यह है। दूसरा ये है कि देखिए ऋचा, यहाँ पे लोगों के मन में ये भी आ गया कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो लॉकडाउन नहीं लगेगा और पुलिस प्रशासन की, जब देखिए प्रशासन की तरफ से थोड़े से जो है आदेश लचीले हो जाते हैं, थोड़े से जो कानून है वो थोड़े से उसमें थोड़ा सा सुस्ती दिखाई देती है, तो वो आदमी स्वयं में ही अपने आप में ही जो है महसूस किया है हम लोगों ने कि वो अपने अपनी जो है पुराने ढर्रे पे लौट आता है। तो अभी देखिए 23 मार्च को एक साल पूरा को लॉकडाउन लगे हुए पूरा जो शुरुआत हुई थी और अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी राज्यों में स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है, रोज कोरोना के नए जो है मामले सामने आते जा रहे हैं, संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी स्कूल में, कॉलेज में जो है, आप बाजारों में, सार्वजनिक स्थलों पे लोग जो है ना ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तो मास्क की जो है ना, कहीं अब जनता की लापरवाही की वजह से ही जो कोविड का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। मेरे साथ लगातार नीरज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, तस्वीर हम देख रहे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो काम किया काफी सराहनीय काम था, हालांकि उन्होंने जिस तरीके से एक अपील भी की लोगों से कि आप कोविड के जो नियम है उनका पालन करें, कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए, लेकिन लॉकडाउन वाली स्थिति हमने देखी थी जहां पर इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। एक जो डर होता है अब जनता के अंदर कि अब तो लॉकडाउन लगने वाला है नहीं है, क्योंकि जिस तरह इकोनॉमी जो खराब है उसके लेकर सरकार कहने की सख्ती भी नजर आई थी। सर, एक जनता के अंदर जो डर होता है वो डर निकल चुका है जनता के, वो डर फिर से कैसे ला जाए ताकि जो जनता है वो गाइडलाइंस का पालन कर सके। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हमने पिछले वर्ष देखा था कि क्या स्थिति थी, कि लोग कहां कहां से पलायन करके और पैदल और साइकिल से और किसी तरह छुप छुप कर अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो अगर वो नजारा अगर हम पीछे याद करें तो निश्चित तौर पर काफी एक डर महसूस होता है कि आखिर इसी कोरोना से बचने के लिए हमने क्या क्या इंतजाम किए और कितनी मुश्किलें करी और कितने लोगों के पूरे मामले में मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी अब जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये बात हर बार कही जाती है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अपनी सावधानी से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं, अपने बचाव से ही हम कोरोना को मार सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से लोग पूरी तरह निरंकुश होकर सड़कों पर उतर रहे हैं, ना उन्हें कोई मतलब है, ना उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ना उन्हें मास्क पहनना है, पंचायत चुनाव की तैयारी एक तरफ हो रही है, प्रधानी का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो इस तरह के लोगों में काफी उत्साह है और वैक्सीन लेके ऐसा महसूस लोगों को हो रहा है कि जैसे कोई जादू की छड़ी आ गई है, वो तो हफ्ते 10 दिन में सबको लग जाएगी, फिर सब आजाद हो जाएंगे। ये जानिए कि ये वायरस है, ये वायरस कभी खत्म नहीं होता, आप इससे बचाव कर सकते हैं, इसको इससे दूर रह सकते हैं, लेकिन वायरस को खत्म करना इतना आसान नहीं है कि 6 महीने या 1 महीने लॉकडाउन लगा के इस वायरस को खत्म किया जा सकता है। सावधानी ही बचाव है, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। होली के त्यौहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव भी होने हैं, पंचायती चुनाव, उसको लेकर भी लगातार जो सावधानियां हैं उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। रमेश जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश जी, त्यौहार नज़दीक है, सरकार की पूरी कोशिश है कैसे कंट्रोल पाया जाए कोविड-19 पर, जनता कहीं ना कहीं जागरूक होती हुई नजर नहीं आ रही है।
जी रिचा, सही बात यह है कि सिविक सेंस का अभाव होने के कारण ये कई दिक्कतें हो जाती है। अब मैं अगर अक्टूबर नवंबर से अगर इसकी बात को कहूँ तो नवरात्रा के बाद में लोगों में एक तरह का डर के भाई धीरे धीरे जो है कोरोना खत्म हो रहा खत्म हो रहा, लेकिन सड़कों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी और खरीदारी के लिए बाजार में जो लोग आए उसका तो असर था ही, उसका परिणाम धीरे धीरे आया। तो कोई काम एक्शन और रिएक्शन एक साथ तुरंत नहीं होता, जब एक्शन होता तो उसका रिएक्शन धीरे 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 अब आज उभर करके सामने आया कि वापस एक बार फिर कोरोना जो है बहुत एक चिंताजनक स्थिति में आ रहा है। यह कोई एक स्थान की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है और पूरे देश में हमने भी ये भी देखा है कि महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, अन्य जो स्टेट है जहां जहां कोरोना का जो एक विस्फोट था उभर करके सामने आया था उसका नतीजा धीरे धीरे लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है और सरकारों ने भी देखा है। यही वजह है कि सरकारों ने और इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई है, कठोर पाबंदियों के कारण से कुछ हद तक वह नियंत्रण में आया और जब ये वैक्सीनेशन का बाजार में आई तब से लगने लगा कि हाँ अब इस बीमारी के ऊपर जो है रोकथाम हो जाएगी, लेकिन वह भी धीरे धीरे उसका जो असर अभी शुरुआती दौर है, वैक्सीनेशन को ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। हाँ बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन किया है लेकिन वो वैक्सीनेशन का जो स्तर होना चाहिए था वो नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बार बार इसके ऊपर जो है अपनी बात भी रखी है। अभी दो तीन दिन पहले ही उन्होंने इसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन खराब हो रही है, मतलब खराब होने का मतलब है कि आपके जो एक जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं जिसके कारण से दवाई खराब हो जाती है और वो जो है आउट ऑफ डेट होकर के काम नहीं करती, लिहाजा कई तरह की दिक्कतें हैं, संस्थागत दिक्कतें भी हैं और सबसे बड़ी बात एक माइंड सेट है, एक विशेष जो चीज होती है कि लोगों में ये डर दूर हो गया कि कोरोना वापस आने वाला नहीं है, हम तो फ्री हो गए। तो दीपावली के बाद का जो स्प्रेड हुआ कम्युनिटी का बाजार की तरफ बाजार में जाने का वह बदस्तूर आज भी जारी है और चिंता का विषय यह है। वैक्सीनेशन आने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन जो वायरस है वो अभी भी बरकरार है और जनता को जागरूक होना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बात को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें जिस तरीके से कोविड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कोविड रिटर्न हो गया लेकिन साथ ही साथ उसके लॉकडाउन रिटर्न होने की भी उम्मीदें यहाँ पर लगाई जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर कोविड का जो खतरा है वो ज़्यादा होने लगा है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी कोविड के केस अब बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की थी, समीक्षा बैठक की गई थी और कोविड 19 को लेकर चर्चा की गई थी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन जो मेडिसिन है जो खराब हो रही है इसको लेकर भी यहां पर चर्चा की गई थी। तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पर इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।